वैसे इतना बुरा नहीं था वो बंदा जितना मैं उम्मीद कर रहा था। हाँ बस ठीक था। इतना तो होता ही है फातिमा, क्लाइंट है, पैसे दे रहे। वैसे हम किधर जा रहे हैं? तुम्हें ड्रॉप करने जा रहा हूँ, तुम्हारे घर भी आ जाऊंगा अगर तुम कॉफी पिलाओगे तो अपने हाथ की। श्योर, व्हाई नॉट, लेट्स गो। चलो ये चाय एक्चुअली बहुत अच्छी है, पूरे दिन की थकान उतार दी। It was such an hectic day today. But I'm glad visit अच्छा गुजर गया। हाँ ये बात तो है। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने लोकेशन को देखकर पॉइंटर्स वगैरह बना लिए थे? Yeah, I did. चलो गुड डे। अच्छा मैं क्या कह रहा था, क्यों ना हम यहाँ से वापसी पर तुम्हें घर ड्रॉप करने से पहले मेरे घर चलें। इस बहाने तुम अम्मा अब्बा से भी मिल लोगी और मैं उन्हें बताऊंगा कि ये हैं जहांगीर साहब की काबिल साहबजादी जिनके साथ मैं काम करता हूँ ऑफिस में। That is such a sweet offer. लेकिन बहुत लेट हो गया and I look like a mess. I don't wanna go like this in front of your parents. अच्छा चलो ठीक है, किसी और दिन चलते हैं फिर। Definitely. अच्छा जल्दी से चाय खत्म करो फिर निकले हम। बाबा तुम्हें बहुत पसंद करते थे, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्या मतलब, इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं कि कोई पसंद ना कर सके मुझे। आई मीन टू से कि बाबा ने तुम्हारे साथ इतना वक्त नहीं गुजारा है लेकिन फिर भी वो तुमसे इतना प्यार करते थे। बहुत टाइम गुजारा था अंकल ने मेरे साथ, बल्कि मुझे तो लगता है तुमसे ज्यादा ही प्यार करते थे। अंकल काफी दफा डैड को कह चुके थे कि मार तो मुझे इतना अच्छा लगता है, उसको मैंने इतना प्यार दे दिया कि तुम्हारे लिए तो प्यार ही नहीं बचा उनके पास। Let me tell you one thing, love can never be divided, it only can be multiplied. सही कह रही हो तुम। ओह 12 बज गए, तुम्हें पता नहीं चला इतना लेट हो गया मैं। चलो मैं निकलता हूँ, मैं बहुत गुस्सा हो गया आज। ओके ख्याल से जाना। तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी है? चोट नहीं लगी, बस हाथ में झटका है। हॉस्पिटल चलते हैं। वो हॉस्पिटल नहीं जाना, बस घर जाना है। चाबी दो मुझे, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, तुम अकेले मत जाओ। क्या देख रहे हो ऐसे, चाबी दो, बैठो।
गुड मॉर्निंग मामा. गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग. मायरा स्टॉप इट यार, चोट लगी हुई है. क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस ऐसी हल्की सी चोट लगी है. ये कैसे हुआ है? क्या मतलब है कुछ नहीं है? अमार, तुम्हारी गाड़ी भी नहीं है बाहर, कहीं किसी ने तुमसे गन पॉइंट पे गाड़ी तो नहीं छीन ली? स्टॉप इट मायरा, बच्चों वाली बात कर रही हो तुम. अब तुम बताओगी भी कैसे हुआ है, किसी से झगड़ के आए हो? हाँ, रात को वो दो स्नैचर्स आ गए थे, उन्होंने कोशिश की थी मोबाइल छीनने की और गाड़ी छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान फातिमा आ गई. फातिमा ने उन लोगों को गन दिखाई और वो भाग गए. इतना कुछ हो गया और तुम अब बता रहे हो? वो नुकसान तो नहीं मुझे पहुंचा ना, ऐसा सच कोई चीज भी नहीं छीनी उन्होंने, और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आप लोगों को परेशान करूँ, इसलिए नहीं बताया मैंने. किस जगह हुआ ये सब और फातिमा वहाँ पे क्या कर रही थी? और मुझे आप बता दें, आप क्या सुनना चाह रही हैं? मैं और फातिमा एक मीटिंग के लिए निकले थे, वहाँ से देर हो गई तो मैंने सोचा कि फातिमा को खुद ही ड्रॉप कर देता हूँ, उसी को बस ड्रॉप करने गया था. ये तो तुमने अच्छा किया मार. हॉस्पिटल भी कहते हैं? नहीं, मॉम इतनी चोट नहीं लगी थी, लेकिन फातिमा मुझे फिर भी जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गई, वरना आपको तो पता है मैं कहाँ जाता हूँ हॉस्पिटल. तो तुम्हारी गाड़ी फातिमा के पास है? ऑफिस के लिए जा रहा हूँ. अरे ऑफिस अकेले क्यों जाओगे, मेरे साथ मेरी गाड़ी में चले जाना. ओके, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी आ जाओ. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हो? मैं ठीक हूँ. मैं इतनी देर से बाहर बेल बजा रही थी, कोई दरवाजा खोलने आ ही नहीं रहा था, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? वो बस मैं खोलने ही वाली थी. अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या तुम अकेली हो? जाहिर है अकेली ही होंगी, इस वक्त कौन होगा मेरे साथ. तुम्हें दरवाजा इतनी देर से क्यों खोला? वो क्योंकि मैं सो रही थी ना. हैं, अब तक तुमने ऑफिस नहीं जाना? मैंने जाना था, लेकिन आपने बिला वजह की तकल्लुफ की है. हाँ, नहीं तकल्लुफ कैसा, तुम थक जाती हो ना, मैंने सोचा आज सुबह सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता बना के भेजा. ये कमरे में पर्दे क्यों डाले हुए हैं, अभी तो दिन का वक्त है, रोशनी आने दिया करो बेटा. अच्छा लगता है. ओ, वॉशरूम का दरवाजा ऐसे नहीं खोल के रखते. बलाएं आती हैं. हाँ, ये पर्दे के पीछे भी एक दफा चेक कर ले आप, इधर एक वॉशरूम है, वो भी देख के एक बार तसल्ली कर. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे ना घर जरा रोशन रोशन अच्छा लगता है, इसलिए मैं सारे पर्दे हटाती हूँ. अच्छा चलो, तुम नाश्ता कर लो, तुम्हें ऑफिस के लिए देर भी हो रही होगी ना, तो फिर मैं चलती हूँ. ठीक है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, आप आराम से बैठे तसल्ली कर ले. ऑफिस का क्या, मैं बाद में चली जाऊंगी. अरे घर सारा खुला हुआ है, वरना मैं बैठ जाती, ऐसा कोई मसला तो नहीं था. मैं चलती हूँ. ठीक है, अल्लाह हाफिज. हेलो, कैसी हो सायमा? कैसी होंगी सीमी, तुम्हारा क्या ख्याल है? अखलौती औलाद की तकलीफ देखने के बाद इंसान कैसा फील कर सकता है? सायमा, मैं जानती हूँ कि अमार ने गलत किया है, लेकिन ये उसका फैसला जो था ये जज्बाती है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा. लेकिन तुम हमारे रिलेशनशिप क्यों खराब कर रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, आखिर हम दोनों के पास और कौन है, ना हमारे माँ बाप है ना भाई है. अब हम भी इतनी छोटी छोटी बातों में अपने दिलों में नफरत पैदा कर लेंगे तो क्या होगा? ऐसे नफरत तो ना पैदा करो,
तुम तो बात मत ही करो, तुम्हारा शौहर भी है, बेटा भी है, बेटी भी है और अरबों रुपए की जायदाद है। मेरा सोचो, मेरा क्या होगा? मेरी एक इकलौती बेटी है जिसे तुम्हारा बेटा मौत के मुंह में धकेला है। अल्लाह ना करे सायमा, ऐसी बातें क्यों करती हो? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त गुजर रहा है, इसमें तुम मेरा साथ दो। तुम भी जानती हो कि मैं नताशा के अलावा किसी को भी अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। छोड़ो सीन, मैं नहीं अब तुम्हारी बातों में आने वाली। और मैं अगर रिश्ता चाहूँ ना अपनी बेटी के लिए, तो अमार से अच्छा ही मिलेगा। रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे तो रह रहे के तुम पे तरस आ रहा है। तुम अपनी खैर मनाओ, क्योंकि तुम्हारा बेटा उस चीनी से शादी कर रहा है। ये किसने कहा है तुम्हें? सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल पैदा नहीं, बल्कि फल फूल के जवान भी हो चुका है। बाय द वे, जरा अपने बेटे से पूछ भी लेना कि तुम उस चीनी शादी पे इनवाइटेड भी हो कि नहीं। अच्छा, मैं फोन बंद करती हूँ, मैं काम कर रही थी। हाँ, खुदा हाफिज। अमार फातिमा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? क्या सामा और नताशा की बात सच है कि अमार फातिमा को पसंद करता है? अगर ऐसा है तो कहीं वो फातिमा से तो नहीं शादी करना चाहता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी फातिमा को अपनी बहू नहीं बना सकती। मेरा एक ही बेटा है, मैं उसे यूं हाथ से जाने नहीं दे सकती। डोंट टेल मी तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। यकीन करो, ये सब कुछ अमेरिका में होता है ना, अगर आंटी इस तरह ही तुम्हारी घर में घुसी होती तो इस वक्त आंटी जेल में होती। It's okay, she's just my neighbor. I will handle her. यार रात वाले एक्सीडेंट के बाद ना बहुत सीन क्रिएट हुए घर पे। तो यानी मतलब रात को तुम्हारी क्लास हुई है या सुबह नाश्ते पे? क्लास नहीं ली गई, पूरा सेशन हुआ मेरा। मतलब तुम्हारा नाश्ता भी मेरी तरह स्पेशल हुआ है। आप जितनी उर्दू जानती हैं, लगता तो नहीं गया फॉरेनर होंगी। नहीं नहीं, मैं चाइनीज ही हूँ और पाकिस्तान में रहने की वजह से काफी उर्दू बोल लेती हूँ। स्टूपिड। अच्छा तो फिर हम कब और कहाँ मिल सकते हैं? मैं जहाँ जॉब करती हूँ, मेरी ऑफिस में, वहाँ आ जाना। तब भी आ जाए, मैं काम करने लग गया। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय। इतने बेवकूफ लोग हैं यार, पाकिस्तान में सिर्फ शादी के ही मसले पड़े हैं सबको। अल्लाह, बस ये फातिमा शादी के लिए मान जाए, मेरी टेंशन हल हो जाएगी। जी अमार, अमार रूम में? जी अपने रूम में। ओके। क्या बात है आपकी, सर आ गए आप? वैसे अजीब बात है, अभी पैसा नहीं है तेरे पास, इतना गरूर है। अगर पैसा आ गया तो कितना गरूर आ जाएगा तेरे में। हाँ, मेरी छोड़ो, अपने ऑफिस में नज़र रखा करो, मुझे ये बंदा ठीक नहीं लगता। कौन लड़का? ये जो सामने रूम में बैठा हुआ है, राहिल नाम का पता नहीं, लेकिन शक्ल देख के लगता है कि यही होगा। फॉर गॉड से, क्यों इतनी अजीब बातें कह रहे तू? अजीब नहीं कर रहा, अंदर की बात बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ राहिल का ख्याल रख। तुम्हें आखिर मसला क्या भाई इससे? मसला मुझे नहीं, तुझे होने वाला है। जब ये राहिल तुम्हारी फातिमा को ले जाएगा ना, तो तुझे लग पता जाएगा और तुम्हारी होश भी ठिकाने आ जाएगी। क्या बोल रहा है, फातिमा कहाँ से आ गई बीच में? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, अभी अभी अपने ये दो अदद कानों से ना खुद सुन के आ रहा हूँ। क्या सुन कर आया? कह रहा था कि अल्लाह करे फातिमा शादी के लिए मान जाए, और जैसे उसने मेरी तरफ देखा शर्मिंदगी से चुप हो गया। भला अगर उसके दिल में चोर ना होता तो ऐसे शर्मिंदा ना होता। राहिल बहुत अच्छा लड़का, he's a nice guy, तेरे सुनने में कोई गलती हुई हो? हाँ भाई, सारी गलत फहमियाँ मुझे ही होनी है, तू बस बैठा रहा आराम से अपने इस ऑफिस में,
पता तुम्हें तब चलेगा जब वो राहील तुम्हारे हाथ में आके फातिमा की शादी का कार्ड देगा। अच्छा लड़का है, अगर फातिमा से शादी हो जाए तो मुझे क्या मसला हो सकता है? उसकी शादी कहीं और हो जाती है तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या जिगरा है यार, वैसे तू अपनी मोहब्बत ऐसी कुर्बान कर देगा? मोहब्बत नहीं है मोहब्बत मुझे उससे, और सवाल यह है कि मोहब्बत अगर मुझे उससे है तो वो मुझे पता चलेगा ना, तुझे थोड़ी पता चलेगा। मोहब्बत ना चीज ही ऐसी है, खुद को बाद में दूसरों को पहले पता चलती है। जैसे अपने घर में बिरयानी बन रही हो तो खुशबू सबसे पहले पड़ोसियों को जाती है, बिल्कुल वैसे ही। बहुत घटिया मिसाल दिया तूने। और भला ये हो सकता है कि हमें मोहब्बत और हमें खुद ना पता चले? ये स्लोली तुझे ना खुद पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा था या गलत। कैसी बातें करने लग गए तू? तू तो गाड़ियों की बात करता था, रेंट की बात करता था, और अब तू इतनी फिलॉसफी झाड़ने लग गया है। चक्कर क्या है बता तो सही, जो इतनी फिलॉसफी झाड़ने लग गया है, शायराना बातें करने लग गया, किसी आर्टिस्ट के चक्कर में तो नहीं पड़ा हुआ तू? सही से बता किस्सा क्या है। बताऊंगा वक्त आने दे, कुछ कंफर्म हो जाए सबसे पहले तुझे ही बताऊंगा। चल चाय तो पिएगा ना या वो भी नहीं पिएगा? ला दे भाई, इतनी देर से बिठाया हुआ। जी दो कप अच्छी सी चाय। खाने को भी कुछ मंगवाऊं? यार मैं ना तेरे ये ऑफिस की पाउडर वाली चाय ना पी पी के तंग आ चुका हूँ। तो तू चाय बाहर से ले आता है दोस्त? हाँ नेक्स्ट टाइम यही करूँगा, गलती हो गई। मोहब्बत कहाँ से लेकर आते तू ये बातें? कहाँ जा रही हो इतना जल्दी में? जहांगीर अंकल ने कहा था कि मैंने अम्मा के साथ एक मीटिंग के लिए निकलना है, तो अभी मुझे जाना पड़ रहा है। अच्छा, मैं तो अभी वहीं बैठा हुआ था, उन्होंने तो कुछ ऐसी बात नहीं की। अफशा को कहा होगा ना? अफशा तो आ जाए लेट है। राहील आई टोल्ड यू ऑलरेडी आई एम गेटिंग लेट, और ऊपर से तुम्हारी ये सब इन्वेस्टिगेशन। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने वो न्यू हायरिंग इंटरव्यू जो किए थे ना उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है, तो उनमें से एक लड़का भी आया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ तुम जरा मिल लो उससे। इस वक्त? यार अभी तो तुम्हें बताया कि मैं गेटिंग लेट एंड यू आर लाइक। मुझे तो नहीं पता था ना कि तुम यूं अचानक से कहीं चली जाओगी, तो बस तुम खड़े खड़े उससे मिल लो, एक नजर देख लो। अच्छा चलो। अरे आप तो वाकई चाइनीज हैं। विकी आप बैठे, आपको जो भी बात करनी है मैडम से आप जल्दी कर लें, क्योंकि मैडम के पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना, इसके बाद इन्हें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है। देखें ये भी तो इम्पोर्टेंट काम है ना, थोड़ा सा तो टाइम निकालना होगा। जी अच्छा ये ऑफिस आपका है? जी ये ऑफिस मेरे फादर और मेरे अंकल की है। आप मेरा इंटरव्यू करना छोड़े, आप अपनी बताएं, आप कौन से डेजिग्नेशन के लिए यहाँ पे काम लेने आए हैं? लो जी भाई मैं क्यों काम करना पसंद करूंगा, गुजरांवाला में ना इतनी जमीनें हैं मेरी, इतनी भैंसे हैं, अगर मुझे काम ही करना होता तो फिर फायदा इतनी अमीर बंदी से शादी करने का। देखिए अगर आप काम करने नहीं आए तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? मैं तो शादी करने के लिए आया हूँ, इसीलिए तो आया हूँ मैं। देखिए मिस्टर ये मैरिज ब्यूरो नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आपकी सीवी कहाँ है और डिग्री कौन सी है आपके पास? डिग्री पंजाब बोर्ड से ना साइंस में मैट्रिक पास किया है मैंने, माशाल्लाह से पूरे खानदान में नाम रोशन किया है अपना। हाँ ओके राहिल आई थिंक आई शुड टेक माई लीव, यू शुड कैरी ऑन विद दिस। ओ जी मुझे भी अंग्रेजी आती है। इतने नखरे वाली लड़की, एक मिनट नहीं बैठी, उल्टा सीधा सुनाकर चली गई। अरे मैसेज पे तो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। हाँ वाकई मैसेज पे तो बहुत मीठे बात करती थी। आप जाएं विकी, आपको बाद में बताता हूँ। जी जनाब अब तो मुझे जाना ही है, मजीद इज्जत नहीं करवानी मुझे। क्या करूं मैं अब, एक से एक नमूना है। सब चीजों से ज्यादा सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है, ये भी एक नेमत है। आओ मेरे साथ, तुम भी रखा करो, इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। हाँ एक्सरसाइज किया करो,
अब बताओ क्या पूछना था। उस्मान साहब, इस ख्वाब का मतलब क्या होगा? ख्वाब का मतलब नहीं, ताबीर पूछी जाती है। यस, वही ताबीर। बताए ना, क्या होगी ताबीर? अच्छा ख्वाब है तुम्हारा, आओ बैठो। तुमने ख्वाब में मुर्दे को देखा है, मुर्दे को देखना अच्छा होता है। और फिर तुमने अपनी शादी भी देखी है, एक मुबारक हमारे, अच्छा ख्वाब है। लेकिन मुझे तो कुछ और ही लगता है, क्या पता कि बाबा कुछ और कहना चाहते हैं मुझसे। देखो, इस सिलसिले में इस्लाम की रूह से तो कोई वाज़े दलील नहीं है, मगर होने को तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, बाबा की और क्या ख्वाहिश हो सकती है? यही ना कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। तुमने मुस्तफ़ा मरहूम की डायरी पढ़ी थी? बाबा की डायरी नहीं, पूरी नहीं पढ़ी है मैंने। तो पढ़ लो ना, हो सकता है उसमें से कोई आइडिया मिल जाए। ठीक कह रहे हैं, मैं आज ही जाके पढ़ूंगी। चाय पियोगी? नहीं, मुझे एक्चुअली लेट हो रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा चलो फिर, अपना ख्याल रखो। आप भी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह अल्लाह। और उसकी निशानियों से है कि उसने तुम्हारे दरमियान तुम्हारी जिन से जोड़े बनाए ताकि तुम उनकी तरफ आराम पाओ और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी। और बेशक इसमें गौर फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। क्या समझी मिस फातिमा, लाइफ टाइम सिंगल रहने का अहद करने वाली? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैंने अहद कर लिया है कोई। तुम ही कह रही थी ना कि तुम्हें शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है ज़रूरत, लेकिन करनी है। दीन जिस बात की तरगीब दे उसी में भलाई होती है। सिर्फ इस वजह से कि शादी करना ज़रूरी है तो मतलब किसी से भी कर लो, बाद में वो आपके लिए अच्छा है नहीं है इसलिए सोच समझ के शादी करनी चाहिए ना, वरना तो नहीं करनी चाहिए। खैर, हम सूरह रोम के आयत नंबर 21 पे थे, तो कंटिन्यू करें। मैं जाके देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई। ये पता नहीं आप क्या क्या तकल्लुफ करती रहती हैं। ओहो, तकल्लुफ कैसा, ये बताओ कोई आया हुआ है क्या? आप अंदर जाके खुद ही देख लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, कैसी हो, बड़े दिनों बाद नजर आई। जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अरे बैठे, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? जी हाँ, उस दिन जब मैं सुबह आई थी आप घर नहीं थी तो इनसे मुलाकात हुई थी, बताया था ना शायद आपको। जी जी। हाँ ना, मैं इसको चाय पे रोक भी रही थी पर तुम चली गई, तुम रुकी नहीं। माजरत, उस दिन मैं थोड़ा जल्दी में थी, मेरे घर मेहमान आने थे, उनके लिए तैयारी करनी थी। अच्छा, ऐसे कौन से खास मेहमान? जी मेरे रिश्ते वाले आने थे। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर तुम्हें पसंद करके गए होंगे। आजकल अच्छी बच्चियां कहाँ मिलती हैं, इसको भी कहो ना शादी कर ले, इसको समझाओ कि शादी करेगी तो इसका अकेलापन खत्म हो जाएगा। पता है जब मैं इसकी उम्र की थी ना तो मेरे दोनों बेटे स्कूल जाते थे, अब ये करेगी ना शादी कितना मजा आएगा, हम सारे इसकी शादी में शामिल होंगे। चले आप लोग बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। ये ऐसे ही करती है हमेशा, जब भी मैं शादी का जिक्र करती हूँ ना ये भाग जाती है। आपने कल की मीटिंग जो है वो फिक्स करवा दी? यस श्योर। ठीक, डन है। गुड मॉर्निंग मैम। फातिमा, फातिमा, फातिमा क्या हो गया, मैं तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही? हाँ नहीं आ रही है, तो क्या करूँ? क्या हो गया, तुम सुबह सुबह क्यों चिढ़ी हुई हो, किसी से लड़कर आ रही हो या किसी ने छेड़ दिया? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे छेड़े। ये बात तो है, तुम लोगों का तो थोड़ा वो सीन है ना, जूडो कराटे मार्शल आर्ट्स ब्लैक बेल्ट। एग्जैक्टली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, अपनी जान की परवाह नहीं है तुम्हें? अरे मुझसे क्यों लड़ रही हो? अजीब और गरीब लोगों को तुम ले आते हो ऑफिस में इंटरव्यूज के लिए, जो काम में कम और शादी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अच्छा याद आ गया, मुझे एक कैंडिडेट हो रहा है, तुम उससे मिल लो, मुझे बेहतर लग रहा है। राहिल, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी।
मसला मुझे नहीं तुझे होने वाला। जब ये रहील तुम्हारी फातिमा को ले जाएगा ना तो तुझे लग पता जाएगा और तुम्हारी होश भी ठिकाने आ जाएगी। क्या बोल रहे हैं? फातिमा कहाँ से आ गई बीच में? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। अभी अभी अपने ये दो अदद कानों से ना खुद सुन के आ रहा हूँ। क्या सुनकर आया? कह रहा था कि अल्लाह करे फातिमा शादी के लिए मान जाए। मोहब्बत ना चीज ही ऐसी है, खुद को बाद में दूसरों को पहले पता चलती है। अमार ये रिश्ता भी हम बाकी रिश्तों की तरह पैदाइश से पहले ही अपने नसीब में लिखवा के लेके आते हैं। ये तय करने वाले हम नहीं हैं कि हमने किसके साथ जिंदगी गुजारनी है। ये सब अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। अगर नताशा तुम्हारे नसीब में हुई वो जरूर तुम्हें मिल के ही रहेगी। और अगर नताशा मेरे नसीब में ना लिखी हुई तो फिर? क्या मतलब? आई मीन हु नोज कि नताशा मेरे मुकद्दर में लिखी हुई है। किसी को नहीं पता ना। तो फिर फैसला मुकद्दर पे छोड़ दे तू। नताशा फॉर गॉड से फातिमा को बीच में मत लेकर आओ। क्यों, बुरा लग रहा है तुम्हें? बहुत पसंद है ना तुम्हें? सच कड़वा लग रहा है ना? नो मोर आर्गुमेंट्स नताशा, बस बहुत हो गया। ठीक है, तोड़ दो तुम ये रिश्ता। प्लीज बताएं ना अपने बारे में कुछ। मैं क्या बताऊं, आपको जो पूछने पूछ लीजिए। ठीक ही तो कह रहा है राहिल, सवाल किधर है तुम्हारे? एक ऑफिस के लिए हायरिंग नहीं कर पा रहे हो, क्या हो गया तुम्हें आज? ओके, कितना कमा लेते हैं आप? मेरा मतलब है कि करंट सैलरी क्या ले रहे हैं आप? मैंने रिसेंटली स्टडीज कंप्लीट की हैं, तो अभी इस बारे में सोचा नहीं है। पापा तो बोलते हैं कि बाहर मुल्क चले जाओ, बट मैं पाकिस्तान में अपना बिजनेस सेटल करना चाहता हूँ। लेट्स सी क्या बनता है। ओके, तो इसका मतलब है आप फ्रेश हैं। जी जी, थैंक यू। एक्चुअली ज़्यादा गर्मी की वजह से आजकल मेरी स्किन काफ़ी डल हो गई है, तो आपने पहले देखा होता तो हैरान रह जाते। बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। इनफेयर नाम क्या बताया था आपने? अनीस। राहिल, आई थिंक इस इंटरव्यू को तुम टेक ओवर करो। आई शैल टेक माय लीव। एक मिनट एक मिनट, अनीस आपको कुछ सवाल है? जी, बाकी बातें तो ठीक हैं, बस एक बात पूछनी थी। आप ऐसे खाना तो बना लेती हैं? जी। एक्चुअली मेरी मामा ने इस प्रपोजल के लिए मुझे राजी इस वजह से किया है क्योंकि इन्हें चाइनीज खाना बहुत पसंद है। तो प्रपोजल राहिल? आप जाए ना, हम बात करते हैं मतलब फोन पे। ओके, थैंक यू। वैसे आप चाइनीज खाना बना तो लेती हैं ना? जी जी, सिर्फ चाइनीज नहीं, मैं सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ। गुड, थैंक यू। राहिल, ये क्या था? वो जॉब के लिए। जॉब के लिए? तुम पागल या मुझे पागल बना रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं इतनी डफर हूँ कि मुझे समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है? कोई आता है कि आप पैसे कितने कमा लेती थी, कोई आता है कि आप खाना बना लेती है कि नहीं, ये क्या है? एक्चुअली मैं तुम्हें बताने वाला था लेकिन डर भी रहा था तुम माइंड ना कर दो। माइंड? मेरे पास तो माइंड ही नहीं है। यही सोच के तो तुम मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे। देखो फातिमा, मुझे गलत ना समझो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। ये 1500 लड़कों में से कुछ लड़के चुने थे मैंने, इनसे फोन पे बात भी की लेकिन सबके सब गलत निकले, मैं क्या करूं? मेरे फ्यूचर के लिए तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे अब्बू लगते हो क्या? अब्बू नहीं भी तो क्या, बड़ा भाई तो हूँ, इसीलिए इतना बड़ा स्टेप तुमसे बिना पूछे ले लिया। अब तुम प्लीज नाराज मत हो।
अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा मुझे ऑफिस में ऐसा ड्रामा नहीं चाहिए। ओके, ऑफिस में नहीं बुलाऊंगा। मतलब तुमने ये काम नहीं छोड़ना है? अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हें दिखाऊं तुम्हारे फॉरवर्ड कितने हो गए। वैसे एक बात बताऊं, तुम ये भी कर सकती हो कि तुम किसी नॉन मुस्लिम से शादी करना चाहो और उसे ये शर्त दो कि वो मुसलमान हो जाए। देखो कितना फायदा होगा तुम्हें, कितना सवाब मिलेगा। तुम लोगों के पास यही तरीका है एक दूसरे को मुसलमान करने का, ये नहीं कि एक अच्छे अखलाक एक अच्छे किरदार से एक दूसरे को आप इन्फ्लुएंस करें। सब के सब मेरी शादी के पीछे पागल हुए जा रहे, एक उधर मेरे घर पे नेबर और एक इधर तुम। आई एम सो डन, आई कांट स्टैंड दिस। घर तो काफी अच्छा है आपका, आप बिला वजह परेशान हो रही थी। बस जैसा है आपके सामने अपना है ना, आजकल के दौर में अपना घर होना बहुत बड़ी नेमत है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसे आपकी बातों से लगता नहीं है कि आप माशाल्लाह से इतनी वेल ऑफ है, सोसाइटी में इतना नाम है आपका। अरे वेल ऑफ होने में क्या बड़ी बात है, इंसान की शख्सियत अच्छी होनी चाहिए, उसका अखलाक अच्छा होना चाहिए, दिस इज़ व्हाट रियली मैटर्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और वैसे भी माशाल्लाह आपके पास इतना बैंक बैलेंस है, बंगले गाड़ियाँ हर चीज़ आपके पास है, आपके हस्बैंड आपके लिए इतनी फॉर्चून छोड़ कर गए, खुशहाल हैं आप? बेशक मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, और सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि मेरे अल्लाह ने मुझे हर हाल में खुश रहना सिखाया है। ज़ाहिर है इंसान खुशहाल हो तो फिर वो अपने हाल में खुश ही रहता है ना। मैंने कहा ना आप बहुत खुशकिस्मत। मेरे अब्बा कहा करते थे खुशकिस्मत वो नहीं जिसकी किस्मत अच्छी है, बल्कि खुशकिस्मत वो है जो अपनी किस्मत पर खुश है, यही सबसे बड़ी बात है। वाह कितनी अच्छी बात है। आई एम सो सॉरी, आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन क्या करूं, मेरी आदत है बस साफ और सीधी बात करने की, सच बोल देती हूँ। यूँ तो मेरी छोटी बहन भी बहुत अच्छे घर में ब्याही है, बड़ी हैसियत वाली है, लेकिन मेरी आदत नहीं है किसी की बड़ाइयाँ बयान करने की या बिला वजह शोखियाँ बघारने की। बस ये छोटा सा घर है हमारा, सीधी सादी सी मैं हूँ और ऐसी मेरी बेटी है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, आई एम सॉरी, हम ना कोई जहेज दे सकेंगे और ना ही। अरे आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हर तरह के खर्चे की जिम्मेदारी हमारी है, आप हमें अपना लखते जिगर दे रही हैं, हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है। That's so sweet of you. नताशा कहाँ है, नज़र नहीं आ रही? वो आर्ट गैलरी गई है। अच्छा अच्छा, That's wonderful. हमजा को उसकी पेंटिंग्स बहुत पसंद है, एंड आई होप कि हमजा को नताशा भी बहुत अच्छी लगेगी। अभी मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ उसका काम, कमाल आर्टिस्ट है। बिल्कुल, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी उसके हाथ की पेंटिंग्स। अब आने वाली होगी वैसे, आप तब तक कुछ लीजिए ना, आपने कुछ लिया नहीं। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं बस ऐसे ही। ये वाले एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी लूज नहीं करने, बस जैसे फोकस से काम कर रही है ना वैसे करो, और ये माइंड से ना फजूल की चीजें निकाल दो। भी आंसू खुश क्यों नहीं रह सकती हो यार, कब तक ऐसे खुद को कोसती रहोगी, बस कर दो अब। खुश रहना इतना आसान नहीं है पर इतना मुश्किल भी तो नहीं है ना नताशा। बातें करना बहुत आसान है। मैं सिर्फ बातें नहीं करता, जो बात करता हूँ जो वादा करता हूँ वो पूरा भी करता हूँ। बातें ना करें आप, वादे पहाड़ बनकर टूटते हैं, और इसके मलबे तले अगर कोई इंसान बच जाए तो मौजे से कम नहीं। ये सब मौजे,
तो फिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि मुझे होते कैसे हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हर हाल में। तुमसे शादी करना चाहता हूँ यार, सिंपल सी बात है। ये क्या बातें कर रहे हो तुम फरहान? मोहब्बत का मतलब भी जानते हो तुम? ये कोई फिल्म नहीं चल रही। हो सकता है कि मैंने बहुत जल्दी कर दिया ये सब कुछ बोलने में और मेरा अंदाज भी शायद ठीक ना हो, और प्लीज़ मेरे अभी अल्फाज पे मत जाना। मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ और जहाँ तक चल के आ गया हूँ वापसी नामुमकिन है। मुझे सिर्फ तुम नज़र आती हो यार, तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं। मान, ये नामुमकिन है। जानता हूँ मेरे और आपके स्टेटस में शायद बहुत फ़र्क है, लेकिन क्या करूँ? बात ये नहीं है, तुम नहीं समझ पाओगे। अब तुम बोलो तो सही। बोलो। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, कि मेरी एक शर्त। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।